दादियाला इंजीनियरिंग की ओर से बधाई। इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न मशीन M400XT की 9 विशेषताएं। पहली विशेषता, मजबूत डिजाइन। M400XT सहित हमारी सभी मशीनें मजबूत हैं। हमारी मशीनें न्यूनतम प्रयासों के साथ अधिकतम परिणामों के लिए डिजाइन की गई हैं। ध्यान दें कि सभी स्विच और टिल्टिंग हैंडल मशीन के एक ही तरफ रखे गए हैं, ताकि आपको मशीन चलाने के लिए इधर उधर न जाना पड़े। दूसरी विशेषता, साफ करने में आसान। M400XT को साफ करना बहुत आसान है। फ्लैप और स्टिरर सिस्टम को हटाने के लिए आपको केटल के ऊपर रखे केवल 3 विंग नट्स को हटाना होगा। इन नटों को बिना किसी उपकरण की आवश्यकता के हाथों से हटाया जा सकता है। आसान सफाई के लिए आपको खुली सतह मिलती है। सब कुछ उसी आसानी से वापस भी रखा जा सकता है। तीसरी विशेषता, मरम्मत में आसान। मशीन खराब होने पर उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसके ज्यादातर पार्ट्स बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हीटर मिनटों में बदले जा सकते हैं। यहाँ हीटर बदले जा रहे हैं। यहाँ आप हीटर की अनइंस्टॉलेशन और रीइंस्टॉलेशन को कुछ ही मिनटों में होते हुए देख सकते हैं। चौथी विशेषता, बिजली के झटके से सुरक्षा। M400XT एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से सुसज्जित है, जो आपको बिजली के झटके से बचाता है, भले ही मशीन ठीक से ग्राउंडेड न हो। पांचवी विशेषता, मैनुअल तापमान नियंत्रण। आप नॉब का उपयोग करके केटल में गर्मी को आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे आपको पॉपिंग प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। छठी विशेषता, मोटरयुक्त स्टिरर। कौन स्टिरर मोटरयुक्त है
और आप इसे स्विच के एक क्लिक से संचालित कर सकते हैं। सातवीं विशेषता, सिंगल फेज कनेक्शन। मशीन सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन पर चलती है, इसलिए जहां भी बिजली उपलब्ध है वहां इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। आठवीं विशेषता, ट्रे को स्लाइड में बदला जा सकता है। मशीन के साथ दी गई ट्रे को पॉपिंग की मात्रा के आधार पर आसानी से स्लाइड में बदला जा सकता है। यदि आपको पॉपकॉर्न की कम मात्रा की आवश्यकता है तो आप ट्रे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक बड़ी ट्रे या कंटेनर का उपयोग करना चाहते हैं तो आप ट्रे को आसानी से स्लाइड में बदल सकते हैं और सभी पॉपकॉर्न बड़े कंटेनर में फिसलने लगेंगे। यहां आप ट्रे को स्लाइड में बदलने की रूपांतरण प्रक्रिया देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक स्क्रूड्राइवर की जरूरत पड़ेगी और आप इसे बिना किसी विशेषज्ञ की सहायता के आसानी से स्वयं कर सकते हैं। नौवीं विशेषता, प्रति घंटे 5 किलो तक। आप मशीन में एक बार में 400 ग्राम तक मकई पॉप कर सकते हैं। अगर आप मशीन को लगातार चलाते हैं तो आप प्रति घंटे 5 किलो मकई तक पॉप कर सकते हैं। मशीन को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे लगातार चलने के लिए डिजाइन किया गया है। पॉपकॉर्न बनाने की प्रक्रिया, प्रयोग करने में आसान। आइए आपको दिखाता हूं कि आप मशीन का उपयोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। जब मशीन ठंडी हो जाए तो पॉपिंग शुरू करने से पहले इसे पूरी क्षमता पर लगभग 4 मिनट के लिए पहले से गर्म कर लें। हमने इस वीडियो के लिए मशीन को पहले ही गर्म कर लिया है। स्टिरर मोटर को हमेशा चालू रखें। सबसे पहले कॉर्न डालें, फिर तेल डालें, फिर थोड़ा नमक डालें। आपको नॉब का उपयोग करके केतली में गर्मी को बढ़ाना या घटाना होगा। अब बस जादू होने का इंतजार करें।
आंच इतनी रखें कि 3 मिनट से भी कम समय में पॉपिंग शुरू हो जाए। हमें दिए गए नंबर पर कॉल करना न भूलें। हैप्पी पॉपिंग।